नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का फिर स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। आप लगातार इंग्लिश से जुड़ी हर फील्ड की वीडियोस लेते हैं और जानते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लें और इसको शेयर भी करें। इस पे आपको स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग सभी प्रकार की बहुत आसान लेवल पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज हम देखेंगे जो स्पेलिंग जिनको नहीं आती उन बच्चों के लिए स्पेशल लेसन तैयार है ये आप देख रहे हैं इसमें। जैसा कि आप देखते हैं हर भाषा का अपना लिखने का एक तरीका होता है, तो इंग्लिश में जैसे क ख घ है, अंग है, वैसे इंग्लिश में भी, वैसे रशिया में भी, वैसे ही जापान की भाषा में भी, किसी भी भाषा में ये वर्ड बनते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। तो आइए देखिए, जब हम कोई स्पेलिंग बनाते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह के हिंदी में वर्ड्स आते हैं, उनको इंग्लिश में बदलने के लिए हमें कई सारे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। इसको आपको किस तरीके से करना है काम, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, जहाँ ज़रूरत पड़े रोक के देखें, आगे पीछे करके देखें, और साथ में एक कॉपी लेके रखें, उस कॉपी में इसे नोट डाउन कर लें। और इससे जुड़ी काफ़ी और वीडियोस भी हैं, उसे भी देखें, कई बार देखें जब तक वो समझ में ना आ जाए। आपको सीरीज से सारी वीडियोस मिलती हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क देखते हैं। क को हम के ए, ख, के एच ए, ग, जी एच, घ, जी एच ए, और अंग, एन ए। उसके बाद हम देखते हैं च वाली लाइन, च के लिए सी एच ए, छ, सी एच एच ए, ज, जे ए, झ को जे एच ए, ज्ञ को च छ छ, इसको एन ए से करेंगे। उसके बाद ट का टी ए, ठ का टी एच ए, ड का डी ए, ढ का डी एच ए, ण का एन ए। ये जो आप तीनों में देख रहे हैं एन ए एन ए एन ए, अंगा में भी, यहाँ में भी, अणा में भी, ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे आगे आने वाली क्लासेस में, जब जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे उस हिसाब से। अब देखिए त का टी ए। अब टी को वैसे तो इसमें कई सारी कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, जो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, आप उन वीडियोस को भी देखें। जैसे ट का मतलब ट भी होता है और त भी होता है, कई सारे साउंड्स ऐसे होते हैं जो इस तरह से बनते हैं। उसकी वजह यह है कि इस हिंदी में जो है हमारे पास अक्षर बहुत सारे हैं और मात्राएँ भी हैं, तो स्पष्टता आ जाती है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, 26 अक्षर होने की वजह से अक्षर कम होते हैं, शब्द ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए स्पेलिंग कुछ और दिखती है, बोलते कुछ और हैं या दिखाई देने में कुछ और होता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे टी का मतलब त से है, टी ए, त, थ को लिखेंगे टी एच ए, द को लिखेंगे डी ए, ध को लिखेंगे हम डी एच ए, न को लिखेंगे एन ए। अब आइए इधर प वाली लाइन में, प को लिखेंगे पी, फ को लिखेंगे पी एच, ब को लिखेंगे बी ए, भ को लिखेंगे बी एच ए, म को लिखेंगे एम ए। उसके बाद यह वाली लाइन, य को लिखेंगे वाई ए, र को लिखेंगे आर ए, एल को लिखेंगे एल ए, व को लिखेंगे वी ए, श को लिखेंगे एस एच ए, श। उसके बाद आइए स को कैसे लिखते हैं ये सीखते हैं। ये वाली लाइन है, स को एस ए, ह को एच ए, श को के एस एच ए, त्र को टी आर ए, और ज्ञ को जे वाई ए। वैसे आप इसे जी वाई ए भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से आपने सारी चीज़ों को देखा और जो है समझा। अब आपका अगला फर्ज ये बनता है कि इन चीज़ों को समझिए, कॉपी में नोट डाउन करिए और बाकी सारी वीडियोस हमारी देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए, ये ज्ञ को मैंने सही कर दिया, जी वाई ए भी कर सकते हैं, जैसे ज्ञानी लिखना हुआ, ठीक है। तो ये सारे जो लेटर्स हैं इसके अलावा भी कुछ और हैं, जैसे क को क्यू से भी करते हैं, इंग्लिश की भाषा है तो क को क्यू से भी करते हैं। ग के लिए जी ए भी लिख देते हैं, ग का वैसे मतलब ग भी होता है और ज भी होता है कई जगह, और फ के लिए एफ ए भी कर देते हैं, और लास्ट में जो जेड है उसका साउंड ज होता है, वैसे इसको ज और ज की तरह यूज़ किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी वीडियोस आप रोक के बार बार देखेंगे, आगे पीछे करके देखेंगे। इससे बिल्कुल जो क ख कभी नहीं जानते, तो अगर वो ए बी सी डी थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो इससे नाम लिख सकते हैं, वर्ड्स को बना सकते हैं। हालांकि
इसको जानने के लिए अभी आपको काफ़ी और जानकारी लेनी पड़ेगी, काफ़ी सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये देख रहे हैं आप, इसको मैंने होल्ड कर रखा है इसलिए कॉपी में नोट डाउन कर लें, आराम से देखें, इसको समझें, साफ साफ राइटिंग में उतारें, क्योंकि ये मेहनत एक बार की है, एक बार की गई मेहनत आपको हमेशा काम आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, ट वाली लाइन है, त वाली लाइन है, प वाली लाइन है, और य वाली लाइन है, और फिर स वाली लाइन है। इनकी स्पेलिंग मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताई है और लिखवाई है। तो आप देख सकते हैं, जहाँ पे एक लाइन आप लिख रहे हैं वहाँ पे वीडियो को पॉज कर लें, यानी रोक लें, और आराम से देखें और समझें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा है जिसे स्पेलिंग की प्रॉब्लम है तो वहाँ तक वीडियो भी शेयर करें व्हाट्सअप में अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, ताकि वो लोग भी हमारे बारे में जानकारी पाएँ और हमसे जुड़ना चाहें, ताकि उनका फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।